नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपकी भाग्य रेखा के अनुसार आपके पास में किस उम्र में सबसे ज़्यादा पैसा आएगा, उम्र का कौन कौन सा वह हिस्सा है जहाँ पर आप मालामाल हो जाओगे और हाथ में कौन से ऐसे लक्षण हैं जहाँ पर धन आने के योग बनते हैं। आज की वीडियो में स्पष्ट रूप से आप जान पाओगे। ये इस चार्ट के द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले आप ये समझिए कि ये हाथ में हाथ के दो हिस्सों को करती हुई ये भाग्य रेखा होती है, लाइन ऑफ लक। ये गुरु क्षेत्र है, शनि सूर्य बुध शुक्र चंद्रमा राहु और केतु निम्न मंगल। तो हाथ के दो हिस्से करती हुई नीचे से ऊपर तक जो रेखा जाती है और यहाँ शनि क्षेत्र पर समाप्त होती है उसे कहते हैं लाइन ऑफ लक, यानी कि भाग्य रेखा। तो यहाँ पर आप समझिए, थोड़ा जूम करो भाई कैमरा, यहाँ पर आप समझिए भाग्य रेखा में यदि कोई चिन्ह है तो यहाँ पर 18 वर्ष की आयु, आप समझें, मान लिया यहाँ पर भाग्य रेखा थोड़ी टूट रही है तो इसका मतलब है कि 18 वर्ष की आयु के बाद में इसका दुष्प्रभाव होगा। ये यहाँ पर भाग्य रेखा के साथ कोई सहायक रेखा है तो इसका मतलब है 18 वर्ष की आयु में धन लाभ होगा। इसी प्रकार ये समझिए पहले आप, यहाँ पर 25 वर्ष मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा जहाँ पर आपस में क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, यहाँ पर 35 वर्ष मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में, यहाँ ठीक 42 वर्ष हृदय रेखा पर 50 और 50 प्लस। तो यहाँ पर आयु का जो चार्ट है आपने समझ लिया भाग्य रेखा के कौन सा हिस्सा किस आयु को दर्शाता है, 18 25 35 42 50। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, ये देखिए साथियों, भाग्य रेखा जहाँ पर भी इसके साथ में कोई रेखा चलती है ये सहायक रेखा, ये बहुत बहुत पतली पतली हो सकती है। ये देखिए ऐसे करके ये बहुत पतली पतली हो सकती है। तो जहाँ पर भी भाग्य रेखा के साथ में सहायक रेखा है, यानी कि भाग्य रेखा के साथ में कुछ पतली पतली रेखाएं हैं, वहाँ पर निश्चित रूप से व्यक्ति को भारी धन लाभ होगा। मान लिया मस्तिष्क रेखा के ऊपर कोई छोटी सी रेखा भाग्य रेखा के साथ साथ चल रही है तो जहाँ तक यह रेखा चलेगी, आयु के जिस भाग तक यह रेखा चलेगी, मान लिया 35 से और 42 तक है तो 35 से लेकर के 42 साल की एज तक भारी धन लाभ के योग बनेंगे। अब आइए आगे समझते हैं, भाग्य रेखा जहाँ पर जितनी ज़्यादा गहरी होगी, ऐसे चमकीली होगी, बिना टूट फूट के होगी, वहाँ पर व्यक्ति का जो कार्य है वह ठीक ठाक चलता रहता है। लेकिन यदि किसी हाथ में भाग्य रेखा कहीं पर थोड़ी सी कमज़ोर पड़ गई है, देखिए ऐसे करके ये थोड़ी सी कमज़ोर पड़ गई तो आयु के उसी भाग में धन आनी होगी। भाग्य रेखा कहीं पर टूटी हुई है, छोटे छोटे हिस्सों में है तो ये बहुत बड़ी दुर्गति एक तरह से व्यक्ति की होती है, बहुत ज़्यादा धन आने का सामना करना पड़ता है। और ये भाग्य रेखा है, इस पर यदि छोटी छोटी रेखाएं इसको काट रही हैं, ऐसे अवरोध रेखाएं हैं भाग्य रेखा में, तो दोस्तों यह भारी धन हानि का योग बनता है। जहाँ पर भी ये अवरोध रेखा है ना, यहाँ पर बहुत बड़ा धन हानि का टेंशन तनाव का योग बनता है। अगर भाग्य रेखा के साथ में सूर्य रेखा भी है तो यह भाग्य रेखा की सहायक रेखा मानी जाती है। और भाग्य रेखा के साथ में जहां पर भी, मान लिया भाग्य रेखा डबल है किसी की शुरू से लेकर आखिर तक, तो बहुत बढ़िया भाग्य होगा। अब भाग्य रेखा पर द्वीप होने पर, द्वीप माने ये भाग्य रेखा है, ऐसे कोई चिन्ह है, ऐसे जौ के दाने जैसा कोई निशान है, तो कुल मिलाकर के वहां पर व्यक्ति को धोखा मिलता है व्यापार में, और इसके साथ साथ धोखा मिलने के साथ साथ कहीं ना कहीं सामाजिक बेइज्जती का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव है भाग्य रेखा पर ये दीप का चिन्ह, भाग्य रेखा पर क्रॉस का चिन्ह और भाग्य रेखा को काटने वाली छोटी छोटी रेखाएं, ये तो नेगेटिव हैं। और भाग्य रेखा का मजबूत होना, भाग्य रेखा के साथ में रेखाओं का चलना, ये व्यक्ति का करोड़पति योग बनाता है। मैं कामना करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। नमस्कार।